तो गाइज ऑन डिमांड सेक्टर 63 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आज आपके लिए मैं 348 स्क्वायर यार्ड से 562 स्क्वायर यार्ड्स के 4 BHK के अल्ट्रा लग्जरियस बिल्डर फ्लोर लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे, काइंड ऑफ आपकी गेटेड टाउनशिप, आपका पावर बैकअप, आपके पास क्लब जैसी फैसिलिटीज, पार्क्स एंड लोकेशन, सो सब कुछ लेकर आज आपके लिए मैं यहाँ पर बहुत बढ़िया बिल्डर फ्लोर लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूँ कि काम किस तरीके का आपको आज मिलने वाला है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर होम। मेरा नाम है निशांत अग्रवाल और प्रॉपर्टी दिलाऊंगा आपको इसी साल। सो गाइस आज हम लोग हैं सेक्टर 63 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जहां पर मैं आपके लिए 348 स्क्वायर यार्ड से 562 स्क्वायर यार्ड्स के 4 BHK के अल्ट्रा लग्जरियस बिल्डर फ्लोर लेकर आया हूं। लोकेशन की बात करूं अडानी समशारा विलास, जहां पर आपको एमिनिटीज मिल जाती हैं, काइंड ऑफ आपको पार्क्स मिल जाते हैं, आपको क्लब फैसिलिटी, पावर बैकअप, गेटेड सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो सब कुछ चीजें आपको वैसिनिटी के अंदर मिल जाती हैं। तो दूसरी चीज लोकेशन 63, यहाँ से आपका गोल्फ कोर्स और नियर बाय मेट्रो नियर बाय हो जाती है आपकी। प्लस आपको यहाँ पर स्कूल्स की बात करें तो DPS स्कूल जैसे यहाँ पर नियर बाय, मार्केट आपको यहाँ पर नियर बाय मिल जाती है। तो ओवरऑल लोकेशन बहुत बढ़िया है, गेटेड टाउनशिप है और काम अगर मैं आपको बात करूँ घर का तो लग्जरियस लेवल पे किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेन एंट्रेंस से दिखाता हूँ आपकी लिफ्ट लॉबी। पार्किंग की बात करें तो इंडिविजुअल लेन्स मिल जाती हैं, 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग आपको यहाँ पर फ्लोर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर एंट्रेंस पर लिफ्ट की बात करें तो शैंडलियर की आपको 5 पैसेंजर लिफ्ट मिल जाती है। प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 से 3 महीने में आपको डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अंदर से, दिखाता हूँ आपको मेन डोर एंड क्वालिटी ऑफ वर्क किस तरीके का होने वाला है। सबसे पहले आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ 411 स्क्वायर यार्ड्स का 4 BHK 5 वॉशरूम्स का एक लग्जरियस बिल्डर फ्लोर। उसके बाद साइजेस 348 से 562 गज के आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन एंट्रेंस। तो सबसे पहले लिफ्ट की बात करें, लिफ्ट में आपको बता चुका हूं कि शैंडलियर की 5 to 6 पैसेंजर लिफ्ट मिल जाती है आपको, बिकॉज प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कुछ टाइम लगने वाला है। उसके बाद मेन डोर की बात करता हूं तो मेन डोर आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया मिल जाती है, हार्डवुड डोर मिल जाता है। प्लस आपको यहाँ पर जो वुडन का काम किया है मेलामाइन पॉलिश के साथ, बहुत ही क्लासिकल काम आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पर डोर सेट का बायोमेट्रिक लॉक, जो कि आपका फिंगरप्रिंट, आपका कार्ड एक्सेस, आपका यहाँ पर पासकोड और की ऑपरेटेड यहाँ पर मिलने वाला है। तो मेन डोर बहुत बढ़िया है। स्टार्ट करेंगे अंदर से, सबसे पहले एंटर करते ही हम लोग आ जाते हैं आपके लॉबी एरिया में। सो लॉबी एरिया बहुत ही ह्यूज साइज का है, साइज की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 23 बाय 16 स्क्वायर फीट का आपका खाली लॉबी एरिया यहाँ पर मिल जाता है। फ्लोरिंग
यहाँ पर इटालियन मार्बल मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंटीरियर्स की, तो इंटीरियर्स एज अ सैम्पल फ्लैट आपको यहाँ पर रेडी किया हुआ है। सो कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। सो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है वो मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। फ्लोरिंग आपको इटालियन मार्बल मिलने वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फॉल सीलिंग की, तो बहुत सुंदर आपके यहाँ पर फॉल सीलिंग होने वाली है। उसके बाद शैंडिलियर आपको यहाँ पर लगा कर दे रहे हैं, बहुत ही क्लास शैंडिलियर आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक बार लेआउट ब्रीफ करूँगा आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर करते हम लोग लॉबी एरिया में, बैक साइड आपका ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया। तो ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया का दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बट पर्टिकुलर साइज आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। राइट साइड में आपका फ्रंट साइड बैल्कनी के साथ एक रूम अटैच होता है, प्लस सेकंड बेडरूम फ्रंट साइड बैल्कनी के साथ एक पाउडर रूम आपको मिलता है, देन आपको दो बेडरूम बैक साइड बैल्कनी के साथ मिल जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पर मॉड्यूलर किचन मिल जाती है। तो स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले ड्राइंग एरिया से। ड्राइंग एरिया में आपको दिखाता हूँ कि काम किस तरीके का होने वाला है। तो पर्टिकुलर जो आप ये देख रहे हैं, तो ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया होने वाला है। तो ड्राइंग एरिया की पर्टिकुलर साइज की बात करूँ, पार्टीशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। नॉर्मली एक आपको होल यहाँ पर मिलने वाला है। फ्लोरिंग इटालियन मार्बल मिल जाती है। 23x13 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाता है यहाँ पर ड्राइंग एरिया। जो इंटीरियर्स है, इंटीरियर्स आप चाहें तो सेम इंटीरियर्स बिल्डर से भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट पर, बट अभी आपको यहाँ पर रॉ फ्लैट मिल जाता है। फ्लोरिंग में आपको इटालियन, फॉल सीलिंग आपको सेम मिलने वाली है, फैंस आपको यहाँ पर हैवेल्स के डिजाइनर मिल जाते हैं, एंड मेन वॉल पे यहाँ पर पीओपी का काम, प्लस आपको यहाँ पर वॉल पेपर का काम यहाँ पर किया हुआ मिलने वाला है। एसी इंक्लूड नहीं है। उसके बाद जितना भी वॉल्स पे काम है, आपको काइंड ऑफ लैकर ग्लास का जो काम किया ये भी इंक्लूड नहीं है, बट काइंड ऑफ जो इंटीरियर किया हुआ है बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर करके देने वाले हैं। सो उसके बाद फ्रंट साइड बैल्कनी की बात करूँ, ऑलमोस्ट 6 फीट वाइड आपको बैल्कनी मिल जाती है। एल्युमिनियम डोर्स आपको मिल जाते हैं, प्लस जो कर्टेन्स हम लोग देख रहे हैं, सो कर्टेन के लिए एक मशीन आपको यहाँ पर लगाकर देने वाला है, जो कि एक ऑटोमेटिक कर्टेन्स ओपन करने वाली है। सो उसके बाद साइज बहुत बढ़िया है यहाँ पर, क्वालिटी फॉल सीलिंग की बहुत बढ़िया है, सेम वुडन फ्रेमिंग यहाँ पर भी मिलने वाली है। ड्रॉइंग एरिया के बाद बात करेंगे हम लोग डाइनिंग एरिया की, तो डाइनिंग एरिया इजिली 8 सीटर डाइनिंग आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। साइज ऑलमोस्ट 15x10 स्क्वायर फीट के आसपास, प्लस यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है सेम वुडन फ्रेमिंग के साथ। लाइट्स इसके अंदर भी इंक्लूड नहीं है। फैंस यहाँ पर पूरे घर में आपको लगा कर देने वाले हैं। सो ओवरऑल आपका ड्राइंग एरिया, आपका डाइनिंग एरिया प्लस लॉबी एरिया बहुत स्पेशियस है। क्लासिकल इंटीरियर का काम अगर आप कराना चाहो तो इंटीरियर का काम भी आपको यहाँ पर करके देने वाले हैं। सो चलिए गाइस, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1x1 बेडरूम से। उसके बाद दिखाऊंगा आपको मॉड्यूलर किचन एंड काम बाकी किस तरीके का आपको यहाँ पर मिलने वाला। तो सबसे पहले आज आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की अगर मैं साइज की अगर बात करूँ, तो ऑलमोस्ट 18x11 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाता है यहाँ पर मास्टर बेडरूम। वॉलपेपर का काम आपको यहाँ पर करके देने वाला है। उसके बाद फॉल सीलिंग में सेम वुडन का काम, एंड जो किया हुआ है इस क्लासिकल काम, प्लस आपको बैक साइड बैल्कनी के साथ आपका रूम अटैच्ड है। एल्युमिनियम विंडोज आपको यहाँ पर भी लगा कर दे रहे हैं। सो ओवरऑल स्पेशियस है। फ्लोरिंग में आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग वुड जो कि है वुडन फ्लोरिंग आपको यहाँ पर लगा कर दे रहे हैं। जितना भी रूम स्पेस है 100% यूजेबल रूम स्पेस है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम लोग वार्डरोब की, तो वार्डरोब आपको यहाँ पर वॉशरूम में सेपरेटली बना कर दे रहे हैं। तो सेपरेटली ड्रेसर एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो 5-door वार्डरोब आपको यहाँ पर मिल जाती है, ग्लास वार्डरोब जो कि ऑटोमेटिक लाइट्स के साथ, प्लस आपका बाथरूम स्पेस बहुत ही स्पेशियस है। बाथरूम फिटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाती है ग्रोहे की, प्लस आपको यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड की, आपको इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स, प्लस आपको यहाँ पर ग्लास पार्टीशंस मिल जाते हैं, एंड सेपरेटली आपको यहाँ पर शावर एरिया मिल जाता है। फैंस एंड एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर भी लगा कर देने वाले। टाइल्स की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया, सो ऑफकोर्स त्रेहन ने बनाया, तो क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो फर्स्ट बेडरूम के बाद चलते हैं सेकंड बेडरूम में। सो सेकंड बेडरूम के साइज की अगर मैं बात करूँ, तो 14x11 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर सेकंड बेडरूम मिल जाता है। फ्लोरिंग में आपको यहाँ पर वुडन शेड्स की टाइल मिल जाती हैं, बैक साइड बैल्कनी के साथ रूम अटैच है, तो आपको यहाँ पर भी एल्युमिनियम विंडोज मिल जाती हैं। फॉल सीलिंग बहुत बढ़िया गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि घर की सीलिंग हाइट बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही आपको मिल जाते हैं हैवेल्स के फैन। इस रूम के साथ भी आपका वॉशरूम अटैच्ड है, एंड वॉशरूम के साइज की बात करूँ एंड उसके बाद स्टोरेज की बात करूँ, तो स्टोरेज आपकी अंदर होने वाली है। बाथरूम फिटिंग्स अगेन यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड, प्लस आपको यहाँ पर ग्रोहे की मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स, फैंस, ग्लास पार्टीशंस मिल जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पर मैट फिनिश में आपको सोनिक टाइल्स मिल जाते हैं। स्टोरेज आपको यहाँ पर लैमिनेटेड 5-door वार्डरोब मिल जाती है। तो ओवरऑल आपकी जो क्वालिटी है वह की, वैनिटीज आपको यहाँ पर मार्बल के साथ मिल जाती हैं। सो ओवरऑल फैंस, एग्जॉस्ट एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो फुली लोडेड वॉशरूम्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो साइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइज बहुत अच्छे हैं। सो सेकेंड बेडरूम से निकलते ही चलते हैं अभी थर्ड बेडरूम में, बट थर्ड बेडरूम से पहले चलिए आपको दिखाता हूँ किचन। तो फर्स्ट और सेकेंड बेडरूम के साथ ही हम लोग आ जाते हैं आपकी मॉड्यूलर किचन में।
तो मॉड्यूलर किचन है कंप्रील, यहां पर आपको एक्रेलिक ग्लास किचन मिलने वाली है बैच कलर की, तो बहुत ही खूबसूरत आपको किचन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी किचन बहुत स्पेशियस है, फ्लोरिंग इटालियन एंड फुली लोडेड मॉड्यूलर किचन, चिमनी होम माइक्रोवेव ओवन के साथ आपको यहां पर मिल जाती है किचन। प्लस आपको यहां पर मिल जाते हैं सॉफ्ट क्लोज इनोटेक्स, तो किचन बहुत शानदार है। डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए आपको स्पेस, प्लस जो मेन किचन की फ्रेमिंग की हुई है बहुत ही शानदार मिल जाते हैं। और उसके साथ ही किचन के लिए एक सेपरेटली यूटिलिटी बैल्कनी आपको यहां पर लगाकर दे रहे हैं एल्युमिनियम विंडोज के साथ। एंड देन साउंड प्रूफ आपको कैरेसिल की सिंक मिल जाते हैं यहां पर भी, और ग्रोहे की टैप के साथ। तो काइंड ऑफ जो वर्क है बहुत ही शानदार है, क्लासिकल काम है, बहुत खूबसूरत आपको काम यहां पर मिलने वाला है। देन यहां से चलेंगे हम लोग थर्ड बेडरूम में, एंड थर्ड बेडरूम के साथ यहां पर जो काम किया वुडन का, तो बहुत ही खूबसूरत काम आपको यहां पर करके दे रहे हैं। काइंड ऑफ आपको जो डोर है हिडन डोर्स आपको यहां पर बनाकर दे रहे हैं, ये काम आपको घर में करके दे रहे हैं। तो पूरा वुडन का काम यहां पर आपको मिलने वाला है वीनियर में। प्लस रूम साइज की अगर मैं बात करूँ थर्ड बेडरूम के, तो 18x11 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर थर्ड बेडरूम मिल जाता है। फ्लोरिंग आपको यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग, एंड जो इंटीरियर्स है वॉलपेपर का काम मिलने वाला है, एंड इवन उसके बाद आपको फॉल सीलिंग फैन के साथ मिल जाती है। एंड इस बेडरूम के साथ भी आपका वॉशरूम अटैच है। एंड सेम स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर भी आपको वॉशरूम के अंदर एक्रेलिक ग्लास आपको यहाँ पर वार्डरोब मिल जाती है 4 डोर, प्लस अमेरिकन स्टैंडर्ड की आपको यहाँ पर सिंक्स, उसके बाद यहाँ पर आपको बाथरूम फिटिंग्स कंप्लीट ड्रोहे की मिल जाती है। ग्लास पार्टीशन यहाँ पर भी मिल रहा है, एंड देन यहाँ पर भी आपको सेपरेटली शावर स्पेस मिल जाता है। तो काइंड ऑफ वॉशरूम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि वॉशरूम्स आपके सारे यहाँ पर स्पेशियस हैं। एंड देन थर्ड बेडरूम आपका फ्रंट साइड बालकनी के साथ अटैच है, बालकनी बहुत ही स्पेशियस आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो थर्ड बेडरूम से निकलते ही हम लोग चलते हैं फोर्थ में, बट उससे पहले आपको दिखाऊंगा पाउडर रूम। जो पाउडर रूम की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर सेम अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड ग्रोहे की फिटिंग के साथ आपको काम करके देने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स एंड देन वुडन शेड्स में टाइल्स यहाँ पर, एंड ओवरऑल फैन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर लगा कर देने वाला है। सो पाउडर रूम इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पाउडर रूम यहाँ पर लेके दे रहे हैं आपको। देन फोर्थ बेडरूम में एंटर करते ही सबसे पहले आपको जो दिखा रहा हूँ घर का फिफ्थ वॉशरूम्स, तो वार्डरोब्स आपको यहाँ पर वॉशरूम में लगा कर दे रहे हैं। देन सेम आपको यहाँ पर भी ग्लास पार्टीशन, एंड उसके बाद आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड ग्रोहे की फिटिंग, वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स के साथ, वैनिटीज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा के दे रहे हैं। तो ओवरऑल फोर्थ बेडरूम में साइज की बात करूँ तो 14x11 स्क्वायर फीट का आपका रूम साइज, टाइल्स का काम आपको फ्लोरिंग में करके दे रहे हैं, प्लस आपको फॉल सीलिंग में काम बहुत शानदार फैन के साथ, एंड देन फ्रंट साइड बैल्कनी के साथ आपका रूम अटैच है। तो जितने भी कर्टेन्स हैं यहाँ पर सारे आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन के साथ मिलने वाले हैं। सो गाइज चारों बेडरूम, वॉशरूम्स, किचन, लिविंग, डाइनिंग एंड लॉबी एरिया सब कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ। सो एक बार पूरे घर का काम आपको यहाँ से ब्रीफ करूँगा। अडानी समसारा विला, सेक्टर 63, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। आपको जो सैंपल फ्लैट दिखा रहा हूँ मैं 411 स्क्वायर यार्ड्स का, जो साइजेस अवेलेबल हैं 348 स्क्वायर यार्ड से 562 स्क्वायर यार्ड्स तक। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात करूँ तो 40 फ्लोर यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस घर की, तो 411 गज में 4 बेडरूम 5 वॉशरूम्स आपको मिलने वाले हैं। फ्लोरिंग आपको यहाँ पर लिविंग डाइनिंग लॉबी में इटालियन, देन आपको रूम्स में यहाँ पर टाइल्स प्लस वुडन फ्लोरिंग मिलने वाली है। शैंडेलियर आपको यहाँ पर लॉबी एरिया में, देन किचन आपको फुली लोडेड चिमनी होम माइक्रोवेव ओवन के साथ, बाथरूम फिटिंग्स अमेरिकन स्टैंडर्ड और आपको ग्रोहे की मिलने वाली है। सो ओवरऑल जो काम है बहुत बढ़िया है, गेटेड टाउनशिप है, क्लब मेंबरशिप आपको मिल जाती है, प्लस आपको यहाँ पर पार्क्स एंड सिक्योरिटी के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। सो घर बहुत ही बढ़िया है, काम बहुत बढ़िया है, लेआउट बहुत बढ़िया है। बाकी प्राइसिंग की बात करेंगे तो प्राइसिंग आपकी स्टार्ट होती है 3.40 CR ओनली। तो इस लोकेशन पे अडानी जैसी जगह पे 3.40 में बहुत ही बढ़िया बिल्डर फ्लोर आपको यहाँ पर मिल जाता है, काम मैक्सिमम घर में किया हुआ है। इंटीरियर्स अगर आप सेम कराना चाहें तो सेम इंटीरियर्स आपको बिल्डर की तरफ से मिल सकता है। सो कैसा लगा घर प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद गाइज़।